So guys, this is Camille and you're watching a production YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाएं कैसे आप BN Video Editor application के अंदर dark color का color grading कर सकते हो अपनी वीडियो को, या फिर आप बोल सकते हो आप अपनी वीडियो पर black and white effect कैसे डाल सकते हो। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना और सीधे चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइज, तो आप देख सकते हो मैं आज को अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको BN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप इसे गूगल प्ले स्टोर से या आप ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री वीडियो एडिटर है, तो इसे आप कहीं से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा आ जाएंगे BN एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद आपको नीचे एक प्लस आइकन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन अभी आप यहां से अपना वीडियो ऐड करेंगे, जिस वीडियो का बैकग्राउंड आप ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हो या डार्क करना चाहते हो। तो यहां से मैं अपना वीडियो सिलेक्ट कर लिया। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहां पर एरो का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। तो अभी हमें क्या करना है, इस वीडियो का बैकग्राउंड को ब्लैक एंड व्हाइट करना है। इसके लिए आपको नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा आपको मिलता है फिल्टर, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिल्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप राइट पे स्क्रॉल करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो का बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। अगर आप और राइट पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट और भी इफेक्ट मिलेगा जिनको आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक ये कुछ इस टाइप का मिलता है। उसके बाद ये मिलता है कुछ इस टाइप का, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आप और राइट पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी मिलता है, लाइक आप देख सकते हो। तो इस तरीके का आपको काफ़ी सारा ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट मिलता है। तो मैंने ये वाला जो इफेक्ट इसको अप्लाई कर लिया, या आप चाहो तो इसे भी अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर ये वाला इफेक्ट मिलता है तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हो। तो इन दोनों इफेक्ट में से आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी इफेक्ट मिलता है, आप इन्हें भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही चाहिए तो आप इसको अप्लाई कर लेना। या आपको यहाँ पर एक और इफेक्ट मिलता है जो कि मैंने आपको दिखाई, आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है एडजस्ट, आप इस पर आ जाएंगे और यहाँ से इसे एडजस्टमेंट कर सकते हो। एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, सेचुरेशन आप इन्हें यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी वीडियो के हिसाब से। उसके बाद इसको कर देंगे डन। एंड जैसे कि आप देख सकते हो हमारे वीडियो पर ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट आ चुका है। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। मैंने वीडियो को यहाँ से प्ले किया और कुछ इस तरीके से हमारे वीडियो पर इस टाइप का इफेक्ट अप्लाई हुआ है। यहाँ पर आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे रहा है जैसे कि आप देख सकते हो, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप डिलीट के ऊपर क्लिक करके सिंपली आप इसको डिलीट कर लेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। बेसिकली इसके अंदर एक वाटर मार्क आ जाता है, इसे आप डिलीट कर लेना कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, यहाँ पर आपको यकीन आ जाना है फिल्टर पर। और यहाँ पर ये जो मैंने फिल्टर ऐड किया अपनी वीडियो पर अप्लाई किया, जिसको अप्लाई करके मैंने एक क्लिक में अपनी वीडियो का बैकग्राउंड कलर ब्लैक किया, इसको बेसिकली आपको यहाँ पर मैन्युअली ऐड करना पड़ता है। तो इसको आप कैसे ऐड कर सकते हो, तो सबसे पहले मिलता है प्लस आइकन, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा जो इस तरह ये इफेक्ट ऐड करके रखो कलर इफेक्ट, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कलर इफेक्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना जिस फाइल के साथ होगा। डाउनलोड करने के बाद उसे आप अपने फाइल मैनेजर की किसी भी एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर अनजिप कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है प्लस आइकन, आप इस पर क्लिक करेंगे, फाइल मैनेजर को चूज़ करेंगे और यहाँ पर थ्री डॉट मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना स्टोरेज सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ से। और अनजिप करने के बाद कुछ इस तरीके से जितने भी फाइल होगा सारा फाइल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कलर इफेक्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको एक एक करके दिखाई देगा। तो यहाँ पर मेरा एक ही इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस फोल्डर के अंदर मैंने एक ही इफेक्ट ही ऐड करके रखा था, तो इस तरीके से आपके सामने भी आ जाएगा। तो आपको इन्हें एक एक करके ऐड करना होगा। ऐड किस तरीके से कर सकते हो, जो भी इफेक्ट आपको ऐड करना है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके BN एडिटर एप्लीकेशन के अंदर इम्पुट हो जाएगा। ये मुझे बोल रहा है कि इसको मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया। तो इस तरीके से आप अगेन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन आप यहां से कोई दूसरा इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप उन्हें ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद आपको यहां पर ये कस्टम पर मिल जाएगा, ठीक है। कस्टम से आप अप्लाई कर लेना। तो कुछ इस तरीके से आप जो है BN एडिटर एप्लीकेशन के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, या बोल सकते हो वीडियो की बैकग्राउंड में आप डार्क मोडी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हमें अपना जो वीडियो उसको सेव करना है, तो इसके लिए आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो कोई भी रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको अपनी डिवाइस के हिसाब से एक्सपोर्ट कर लेना, मैं 4K में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। उसका टिक मार्क का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है सीधा आपके गैलरी पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।